एक बच्चे को बचपन से ही रामलीला में एक्टिंग करने का बहुत शौक था और उसकी पसंदीदा भूमिका थी रावण की। भाई बहनों में सबसे छोटा लेकिन हरकतों में सबसे बड़ा था वो, शैतानियों में सबसे आगे। और शायद इसीलिए छोटे से कस्बे गाडरवारा में पलने बढ़ने के बावजूद उसने जिंदगी में बहुत बड़ा बनने की और बहुत आगे निकलने की ठान ली थी। लेकिन क्या सिर्फ देखने भर से सारे सपने पूरे हो जाते हैं? क्या सिर्फ ठान लेने से मंजिल मिल जाती है? क्या इतना आसान होता है एक छोटे से कस्बे से आकर माया नगरी में अपने लिए एक जगह बना पाना? क्या इतना आसान होता है बड़े बड़े नामों और चेहरों वाली फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना पाना? एक ऐसी पहचान जिसे ना भुलाया जा सके और ना ही मिटाया जा सके। जानते हैं आशुतोष राणा से। मध्य प्रदेश के गाडरवारा से लेकर मुंबई तक का सफर अगर एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? कृपा। मेहनत नहीं? देखिए क्या होता है रिचा कि जिंदगी में इंसान को कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, लेकिन एक तीसरी श्रेणी और है जिन लोगों को कृपा से मिलता है। तो यदि आपके कर्म और भाग्य के ऊपर किसी की कृपा नहीं रहेगी तो आप विश्वास मानिए आप अंधकार में बैठ जाएंगे। तो कृपा, चलिए मान लिया कृपा रही है आपके ऊपर, ईश्वर की, कुदरत की। आपके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें हमने पता की जी। सबसे खास बात यह कि आपका नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आपको पता है ये बात? हाँ पता है, क्योंकि हमने अपना नाम स्वयं रखा था आशुतोष। उधर देखिए, हमारे घर में श्रावण के महीने में शिव जी बनते थे, तो राणा बैठे हुए हम जो 1008 नाम के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वो चढ़ रहा था, राणा आग बन कर के यूं बैठे थे और जैसे ही पंडित जी ने कहा ओम आशुतोषाय नमः, तो राणा ने आँख खोली और बोले मम्मी मुझे ये नाम पसंद आ गया, ये भगवान अच्छे हैं। मम्मी ने कहा हाँ भगवान तो बहुत अच्छे हैं। बस तो आज के बाद मेरा नाम आशुतोष राणा। एक और नाम है लेकिन वो हमें ऐसा बताया गया कि शायद आपको याद ना हो, सेठ सुनहरी लाल। जी 3 बरस की उम्र तक हमको कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, हमारे शरीर के ऊपर जो ज्वेलरी होती है, सोना होता है, ये सब डाला जाता था और हमको धूप में लिटा दिया जाता था, और धूप में लिटाने की वजह से सोने के कलर और हमारे अपने कलर की वजह से उस वक्त लोग कहते हैं कि कलर काफ़ी ठीक ठाक था। तो हमारे बड़े भाई जो हैं वो, उन्होंने हमसे कहा कि भाई इसका नाम रहेगा सेठ सुनहरी लाल। तो सुनिए, जब ये 11th की परीक्षा पास होते हैं तो एक लॉरी है, लॉरी के बीच में एक मार्कशीट रखी हुई है, मार्कशीट को स्टूल के ऊपर सजाया गया है, उसके आसपास फूल चढ़ाए गए हैं और बच्चे नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, एक अच्छा खासा हुजूम, एक जुलूस चला आ रहा है। तो जानकारी ये मिलती है कि आशुतोष जी मैट्रिक पास हो गए हैं, ये उसका जश्न है और उनकी मार्कशीट और उनका रिजल्ट इस ढंग से लाया जा रहा है। बारीक चीजें लेके आई हैं आप। हाँ सोचा नहीं था। सोचा बिल्कुल नहीं था, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जो घटना है ये तो हम भी खुद भूल गए थे कि ऐसा भी कभी जश्न होता है किसी के पास होने का। अच्छा बताइए, रामलीला में भी रावण की ही भूमिका वही पसंद थे? हाँ, रावण की भूमिका इसलिए पसंद थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन थे ज्ञान का और ताकत का। यदि राम ना कहना सीख जाते तो वो रावण हो जाते, और रावण यदि हाँ कहना सीख जाता तो वो राम हो जाते, क्योंकि दोनों के अंदर क्वालिटीज जो थी वो एक हिसाब से एक ही सी ही थी। दोनों शक्ति पूजक थे, दोनों ही शिव के भक्त थे, दोनों ही परम बलशाली थे, दोनों के पीछे एक बहुत लंबा हुजूम चला करता था और दोनों ही आदर्श हुआ करते थे अपने अपने समाज के लिए। तो ये जो बचपन से अभिनय होता रहा खासकर रावण का जी, इसने आपको इंडस्ट्री में बहुत मदद दी है, क्योंकि नेगेटिव किरदार आपने ऐसे किए कि बस आप जिंदा कर दिया है उनको। हाँ, नेगेटिव किरदारों को हमने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से किया है। बिल्कुल सही बात है। तो जिंदगी में पॉजिटिविटी एटीट्यूड महत्वपूर्ण है कि आप किस काम को किस तरीके से करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है हमने। शैतानियां बहुत की हैं आपने, चंचल स्वभाव के बहुत रहे, ये नजरिया है व्यक्ति का।
कि आप जिसको चंचलता कह रहे हैं उसको मैं उत्साह मान सकता हूँ। ये अगर सब बच्चे कहना सीख गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। नहीं, सच बात है। गार्डन वाला की क्या यादें जहन में आती हैं जब आपसे आपके कस्बे के बारे में पूछा जाता है? देखिए ऋचा, याद उसकी होती है जिसे आप भूल गए, लेकिन जो जिंदगी में आपकी आधार है, नींव है, और जो लगातार निरंतर, क्योंकि हमने कभी भी गाडरवारा को मिस नहीं किया। चलिए, जब आपके आज बचपन की बातें हो रही हैं, आपकी जिंदगी की बातें हो रही हैं, तो बहुत सारी पोल भी खुल रही है। और अगला मैसेज सुनवाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि काश रेणुका जी होती यहाँ ये मैसेज सुनने के लिए, तो ज्यादा अच्छा होता। अब आप गुस्सा मत होइएगा, सुनिए। मुझे तो याद आ रही है वो तुम्हारी घटना जब तुम अहमदाबाद में 6th स्टैंडर्ड के दौरान जब तुमने अपने प्रेम पत्र लिखने की शुरुआत की थी। अपने स्कूलिंग के टाइम पे एक छोटा सा प्रेम पत्र तुमने लिखा था और पिछली बेंच से होते हुए तुमने आगे वाली लड़की को मारा था। उसके बाद तुम्हें जो पनिशमेंट मिला था, शायद तुम्हारी पिटाई भी अच्छी तरह हुई थी। और प्रिंसिपल ने फिर मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे स्कूल गया। फिर तुम बहुत नाराज हो गए थे, बहुत उदास पड़ गए थे, और मैं फिर तुम्हें स्कूटर पर बिठा कर पूरा अहमदाबाद घुमाया। क्या बात है, सही बात है। काफी भाई जी ने उनका नाम नहीं बताया। नहीं, रसिक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि प्रेम का जो बीज है वो कुछ जरा जल्दी उग गया था हमारे अंदर। रेणुका जी को पता है ये बात? रेणुका जी को बिल्कुल पता है कि हमने अपनी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र, प्रेम तो हो सकता है कि मुझे थर्ड स्टैंडर्ड में या फोर्थ स्टैंडर्ड में हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो हमें बहुत पसंद थी और तब होता रहता, लेकिन अभिव्यक्ति जो हुई हमारी वो अहमदाबाद की भूमि पे हुई, क्योंकि हम दो साल हम अहमदाबाद में पढ़े हैं, तो अभिव्यक्ति हमारी हुई, लेकिन वो अभिव्यक्ति इतनी उल्टी पड़ी कि हमने फेंका तो था पीछे की बेंच से आगे वाली लड़की के लिए, वो एक बेंच पीछे गिर गया। उसने, उस लड़की ने उठाया और उसने पढ़ा और उसने कहा कि किसके लिए? मेरे लिए। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, इशारे में ही चल रहा है, क्राफ्ट की क्लास चल रही थी हमारी। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है। उसने कहा अच्छा, और वो गई और उसने हमारी टीचर को दे दिया। वो जो टीचर थे वो हमें मैथ्स भी पढ़ाते थे और इंग्लिश भी पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे पूछा कि बोले कि माय डियर डार्लिंग, ये लिखा है तुमने, तो डार्लिंग का मतलब पता है? तो मुझे लगा कि जेन्युइनली पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा जी पता है। तो बोले क्या होता है? तो मैंने कहा प्रिय और प्यारा। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 20-21 मिनट थपाड़े थपाड़े मारे और मुझे लगा कि मुझसे आपने एक सवाल पूछा, उसका मैंने आपको जवाब दिया जो सही है। मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे ये गलत जवाब पे मार रहे हैं या मेरी किसी हरकत पे मार रहे हैं। मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो मुझे उस दिन से अंग्रेजी और गणित से बड़ी नफरत हो गई। प्रेम पत्र उसके बाद नहीं लिखा? प्रेम पत्र फिर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि पत्र वत्र का कहीं कोई झंझट नहीं है, अगर गलत हाथों में चिट्ठी पहुंच जाए तो उसके गलत परिणाम होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे ये कौन कहा करता था कि पीट कर बेशक आ जाना घर पर, पिट कर मत आना? हमारे फादर जो है वो बड़े जांबाज आदमी है। वो पुरुषार्थ, पराक्रम और आत्मविश्वास की बहुत बड़ी मिसाल है। जिंदगी में उन्होंने हमें कभी डोंट नहीं बताया, वो हमेशा हर चीज के लिए कहते थे कि ये करो वो करो। उनका ये उसूल रहता था कि अगर पिट के आओगे तो हम तुमको घर पे पीटेंगे, पीट के आओगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुमको पिटने नहीं देंगे। उसकी वजह, एक बड़ा लाभ हमको ये हुआ कि हम जिंदगी में कभी उन्हीं लोगों से लड़ते थे जिनको हम पीट सकते थे। और क्योंकि, और इस वजह से बहुत सी झंझटें हमारी मुक्त हो जाती थी। वो एक अलग बात है कि एक छोटी उम्र में ही हमारी जो दोस्तियां हुआ करती थी वो बड़ी उम्र के लड़कों से हुआ करती थी। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, और ऐसे दोस्त हैं कि लोग कहते हैं कि एक दो दोस्त मिल जाए। अगर आशुतोष राणा ने जिंदगी में कुछ कमाया है तो मित्रधन है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कोई शहर नहीं होंगे जहाँ पे चार घर में रहना हो जिनके किचन तक हमारी एंट्री हो, जिनकी हमारे किचन तक एंट्री है। तो वो बहुत अच्छे, वो एक मित्रधन हमें मिला। उधर देखिए, राणा हमारा सबसे छोटा बच्चा है, पढ़ने की आज़ादी रही उनको, जो काम ने करना उसकी आज़ादी रहे। स्कूल में कभी वो पिटे नहीं, अगर वो किसी से पिट के आए हैं तो हमने कहा पहले तुम उसको मार के आओ। जब उसको मार के आते थे तब हम उससे बात करती थी। और तुम्हारा कर्तव्य है कि जो काम तुम कर रहे हो तो
तुम उसको बड़ी शान के साथ निभाना, जिसमें तुम बहुत अच्छी इज्जत पा सको। बहुत बढ़िया। बाऊजी ने जब हम मुंबई आए तो एक बड़ी कमाल की बात हमसे कही। बोले बेटा, बोले जिंदगी में यदि धन्यवाद किसी को कहना हो तो ऐसे करना कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और इसके बाद तुम उसे थैंक यू कहने के लिए रहने वाले नहीं हो। इतने मन से कहना। मैंने कहा ठीक। बोले और यदि कोई कर्म करो तो ये सोच के करना कि आज के बाद तुमको 100 साल तक जिंदा रहना है। ये कर्म तुम्हारा 100 साल तक तुमसे जवाब पूछेगा कि तुमने हमको क्यों किया था। तो ये बाबूजी का लेसन रहा। कितने साल बाबूजी के साथ रहकर ही गाडरवारा में पढ़ाई की है? बाबूजी ने कभी भी किसी भी बच्चे को अपनी छत्र छाया में, क्योंकि उनका ये मानना था कि पिता जहां पर लाभदायक होता है वहां पर हानिकारक भी हो सकता है। एक बड़ा अच्छा वाक्या है ऋचा के, हमको और जिन जो जयंत भैया हैं हमारे और हमसे बड़े वाले जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, जयंत भैया से बड़े हैं, हम तीनों लोगों को क्राइस्टचर्च जबलपुर भेज दिया पढ़ने के लिए, अंग्रेजी स्कूल। हम लोग ठेठ गाडरवारा के गांव के लोग साहब चले गए। हमारे घर में सुबह उठ के पैर वैर पड़े जाते थे, सुबह उठे पैर पड़े, घर से गए पैर पड़े, घर के बाहर आए तो पैर पड़े, जो भी बड़े हुआ करते थे। तो मम्मी और बाबूजी हम लोगों से इतवार को मिलने जबलपुर क्राइस्टचर्च के हॉस्टल में पहुंचे और हम गए। हम सब टाई वाई लगी हुई थी, हम तीनों भाइयों को वेटिंग रूम में आए और हमने कहा गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग मम्मी। बाबूजी ने देखा, बोले बेटा सामान पैक करो, घर चलेंगे, बहुत कूल है। तो हम लोग घबरा गए, इनका क्यों? बोले बेटा तुम्हारे पिता ने तुमको नई चीज सीखने भेजा था, पुरानी चीज भूलने नहीं भेजा था। और तुम्हारा तो बेटा पिता जो है वो ये पुरानी चीज उसकी सिद्ध है, उसको पता है कि पुरानी में कोई गड़बड़ नहीं है, नई के बारे में उसको जानकारी नहीं है बेटा। ये गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग पापा के बारे में, तो बेटा हम तुमको जानते बूझते हुए इस अंधी गली में नहीं ढकेलेंगे। यदि तुमको नया सीखने के लिए पुराना छोड़ना पड़ रहा है, इसका ये मतलब है बेटा कि शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है। शिक्षा तुम्हारी सही हो या ना हो हमें मतलब नहीं, संस्कार यदि तुम्हारा करेक्ट रहेगा तो तुम जिंदगी में अशिक्षित होते हुए भी शिक्षकों जो शिक्षित लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सफल माने जाओगे। तो घर चलो। हम तीनों भाई सटाक से वहीं पर लौटे पाँव पे, हमने कहा कि नहीं हम क्षमा चाहते हैं, हमें आप पढ़ने दीजिए, हमसे गलती हुई, और पैर पड़े। और उसके बाद फिर वो निश्चिंत हो गया और फिर कभी भी ये जो चीज था कि टाई लगने से आदमी की सिर्फ इतनी ही गर्दन झुकती है वो समाप्त हो गया। लगा कि नहीं टाई लगा के सूट पहन के भी आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इस जगह को देखिए। स्कूल जैसा का तैसा है। बहुत से स्कूल हमने देखे हैं जो जिंदगी में बदलते रहते हैं। 8th से लेके हमारा 11th तक का जो एजुकेशन है वो गाडरवारा में हो। इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी एक बच्चा आशुतोष मुंबई में अपना झंडा गाड़ने के सपने तब भी देखता था? हाँ, मतलब सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। बिल्कुल। लेकिन सपने देखने के लिए सोना जरूरी है और उनको हकीकत में बदलने के लिए आपको जागना पड़ता है। गाडरवारा के बाद कॉलेज में पढ़ने आप सागर गए जी, वहां पर भी काफी रुतबा रौब रहा है आपका। कह सकते हैं। पहले कुछ दिखाते हैं आपको जी। क्या बात, वाह,
काफी काम किया है आपने भाई। हमारा तो काम ही यही है। सच्ची सफलता वो है रिचा जब आपसे जुड़े हुए इमारतें, आपसे जुड़े हुए लोग, जब आपके बचपन के दोस्तों के बारे में लोग पूछने लगे, आपके माता पिता की के बारे में लोग पूछने, यानी ये जड़ कहाँ से आई है और जड़ को जब लोग समेटने लगे तो वो सच्ची सफलता मानी जाती है। अगर एक्टर ना बनते तो पॉलिटिशियन बन जाते। नेतागिरी आपने कॉलेज में बहुत की है, ये हमको पता चला है, अलग तरह की नेतागिरी। नेतागिरी नहीं कहूंगा उसको, नेतृत्व कहूंगा कि नेतृत्व मैंने बहुत किया है क्योंकि गिरी में थोड़ा सा गिरी हुई हालत नजर आती है। चलिए सुनवा देते हैं सबको क्या क्या किया आपने। तुम्हें याद है वो वाक्य जब हमारे शौचालय इतने गंदे हुआ करते थे, पानी की सप्लाई नहीं थी, और तुमने उस समय के शिक्षा मंत्री चित्रकांत जायसवाल को पूरे हुजूम के साथ उनके पूरे कानवाय को रोक लिया था, और वो भी हतप्रभ रह गए थे कि एक छात्र जो हमसे ऐसी बात कर रहा है कि हमारे शौचालय गंदे हैं, आप चल के देखिए, और वो सारी अव्यवस्थाएं कुछ दिनों बाद हमारे हॉस्टल से दूर हुई। हमारे सारे मित्र और मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, तुम बुलंदियों को छुओ। सागर विश्वविद्यालय में आपने क्या पढ़ाई करी थी? सागर से हमने ग्रेजुएशन किया और फिर विधि में ग्रेजुएशन किया, LLB भी किया। एक आपके मित्र हैं जिन्हें एक शिकायत भी है और उनकी एक फरमाइश भी है, आपको सुनवा देते हैं। राणा हॉस्टल की तो बहुत यादें हैं, क्या भूलें क्या याद करें, ऐसी हालत है। लेकिन एक नीली शर्ट थी ना, मेरे कमरे से पहन के गए थे, बहुत पसंद आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कौन ले गया। जब जाके देखा डिपार्टमेंट में तो पता चला कि पहने हुए था आप, उस शर्ट लौटा दो। राणा अक्सर चर्चा करते हैं हम सारे दोस्त, एक गाना सुना दो ना कोई याद करके। अच्छा नहीं, आज उनको सबको बताना पड़ेगा कि मनोज ने बताया था कि हॉस्टल में बड़ा खौफ हुआ करता था और सारे लड़के आशुतोष से अपनी नई और धुली हुई प्रेस की हुई शर्ट छुपा कर रखते थे कि पता नहीं किसकी शर्ट लेकर चले जाएं। चलिए अब फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी दोस्त की। हमारी माता जी ने एक गाना लिखा था कि भैया गजब भयो बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सज गई बारात कांप कांप कांपे हियो, अरे अंग पुती है राख माथे पति जी आंख, आरा रा रा भंग को गोला डटो बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सज गई बारात कप कप कांपे हियो। आशुतोष, ये सब बदमाशियों की और शैतानियों की बात तो हो गई, अब अगर करियर की बात की जाए, LLB की पढ़ाई कोई कर रहा है वो अचानक एक्टिंग की तरफ क्यों जाएगा? इसके पीछे हमारे जो जिंदगी के आधार, हमारी जिंदगी की प्रेरणा, या ये कहें कि हमारे पूरे के पूरे जीवन के रास्ते बताने वाले, रास्ते बनाने वाले और रास्ते पर चलने वाले हमारे परम पूज गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम लोग दद्दा जी के नाम से बुलाते हैं, दद्दा जी की प्रेरणा है। तो दद्दा ने हमसे कहा कि बेटा अब ये सब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है जब अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाना है, और दिल्ली में एक स्कूल है बेटा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसके लिए अपन को दाखिले के लिए प्रयास करना है, उसका अपन को टेस्ट देना है। तो दद्दा का वाक्य जो था गुरु जी का, वो ब्रह्म वाक्य था, तो सब कुछ समेटा, दिल्ली के लिए NSD के लिए अप्लाई किया और वही हुआ, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला मिल गया। मतलब वैसे सोचिए कि एक सेटल्ड लाइफ है, जिंदगी एक तरीके से चल रही है, और एकदम किसी के कहने पर, वो चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, माता पिता क्यों ना हो, लेकिन कई बार आसान नहीं होता इतना बड़ा फैसला लेना। गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु का वाक्य जो होता है वो आप्त वाक्य होता है, तो हमारे लिए कहीं कोई ये मुश्किल नहीं था, और ये उनकी कृपा है दद्दा जी की कि उन्होंने हमें जो भी दिया पूरा दिया, जिंदगी में कभी हमें अधूरा नहीं रखा कि ये चीज़ आधी मिल जाए वो चीज़ आधी मिल जाए, या तो बेटा पूरा सुख हो जिंदगी में या बेटा पूरा दुख हो जिंदगी में, जो भी हो पूरा हो, अधूरे का सुख नहीं है। उधर देखिए आशुतोष जी, अभी तो हमारा तो ये निर्देश है कि 15 वर्ष पूर्व से जो जीवन यात्रा के साथ में
तुमने अपने आध्यात्मिकता की कड़ियों को जोड़ा है और आध्यात्मिकता की कड़ी का हमारा तात्पर्य है कि संतजनों के प्रति तुम्हारी जो श्रद्धा, अपने मित्रों के प्रति तुम्हारी जो मित्रता और सब अच्छा भाव और अनुचरों के प्रति जो दया भाव का ये सम्मिलियन स्वभाव तुम्हारा चला रहा है, बस यही सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी और सोपान है। बस इसी बिंदु पर इसी स्वभाव से तुम चलते जाओ। कई बार लेकिन जिंदगी में देखने में आता है कि आदमी जब अपनी सीढ़ियां जिंदगी के ऊपर चढ़ जाता है तो जो गुरु हैं या अपने रहे हैं या मित्र रहे हैं उनको भूलता भी जाता है। मैं देख रही हूँ कि आपने हर चीज को, हर इंसान को अपने साथ अभी तक जोड़े रखा है, ये आपकी खूबी का है? नहीं, इसमें इन लोगों की खूबी है। छोड़ने नहीं दिया। ये इतने आकर्षक हैं, या इसको कहें कि इनका आकर्षण इतना गहरा है कि आप चाहेंगे भी तो छूट नहीं पाएंगे। नहीं, जैसा कि आपके घर वाले भी लगातार कह रहे हैं, अभिनय के प्रति आपका जो झुकाव बचपन से था, कोई एक वाक्य हमें पता चला है, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, आपको सुनवा देते हैं। पुकार फिल्म की शूटिंग चल रही थी अमिताभ बच्चन की और शायद जीना तमान, तो मैंने उनसे कहा कि राणा तुम जाके शूटिंग देख के आओ, शूटिंग हो रही है। तो वो बोले कि नहीं जी जी, मैं जब भी जाऊंगा मैं ट्रॉम्बे क्लब में शूटिंग करने के लिए आऊंगा, मैं शूटिंग देखने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। और वो चीज शायद उन्होंने मजाक में कही हो, पर इतनी गंभीरता से कि वो सब, जब दुश्मन फिल्म की शूटिंग उनकी वहां हुई तो वो बात एकदम सच हुई। ये बड़ा कमाल की बात है, जब 1997 में दुश्मन की शूटिंग वहां पे पहला शॉट जब हुआ और वो चीज हुई और हमको लगा कि देखिए कि ये गुरु कृपा है कि बच्चे की बात उन्होंने सुनी और वो एक ऐसी बात थी कि अच्छा इसके मन में ये इच्छा है तो चलो इसकी शुरुआत ही यहीं से करवाते हैं, तो वही हुआ। और उसके बाद फिर ट्रॉमा क्लब हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। एनएसडी में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद कुछ वक्त नाटक किए या सीधे बॉम्बे का रुख किया, क्या किया उस वक्त? एनएसडी से पास आउट होते साथ ही मैं दद्दा जी के पास गया, घनश्याम बाग कूड़ा गाँव उनके। हमको दद्दा जी अब क्या करना है, तो दद्दा बोले बेटा अब नाटक नोटन की बंद, अब अपन को सीधा बम्बई जाना है। जबकि हमारे पास ऑफर था कि रेपेट्री कंपनी में हम चाहते तो नौकरी हम कर सकते थे। और 17 जून को हम यहाँ पहुँचे और फिर दद्दा से हमने बात की। दद्दा ने कहा बेटा एक महेश भट्ट नाम के निर्माता निर्देशक हैं बेटा, उनसे अपन को जाके मिलना है। और बोले बेटा भट्ट साहब की तरफ से यदि किसी एस नाम के प्रोजेक्ट का कोई ऑफर आता है तो अपन को मना नहीं करना है, चाहे इतना सा रोल हो। तो अचानक विनोद रंगनाथन जो एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर थे स्वाभिमान के, वो मिले, बोले यार आशु एक सीरियल है उसमें एक गुंडे का रोल है। हमका सीरियल का नाम क्या है भैया? बोले स्वाभिमान। हम कहे किसका है? बोले महेश भट्ट का है। मैंने कहा मैं करूँगा, चाहे एक एपिसोड नहीं आधे सीन का भी रोल होगा तो मैं करूँगा। त्यागी बोले पक्का? हमका पक्का। तो बोले ठीक है तुम फिल्म सिटी चले जाओ, वहाँ पे सेट लगा हुआ है हमारा, बता देना और जाके कर लेना। जब पहुंचे सेट पे तो मुझे एक 10 पेज का सीन दे दिया गया ऋषा, मैं पीली शर्ट पहने हुए था और वो डायरेक्टर साहब मुझे इतनी दूर से मुझसे बात कर रहे थे माइक से और पीली शर्ट करके वो मुझे बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो यार रिहर्सल करके बताओ। हमारे मुंह से निकल गया कि सर टेक करेंगे और दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा हूं और अचानक मुझे लगा कि मैं इस जगह का जादूगर हूं और यहाँ जितने लोग हैं 100 लोगों की यूनिट हुआ करती थी, ये सब मेरे सम्मोहन में हैं और अब ये वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। और मैं इतनी परिपक्वता के साथ मूव करने लगा जितनी परिपक्वता और मैच्योरिटी के साथ हम आज अभिनय करते हैं। अचानक कट की आवाज सुनाई पड़ती और क्लैपिंग चारों तरफ से सुनाई पड़ती क्योंकि 3 कैमरा सेटअप हुआ करता था, 1 टेक वो पहली बार शॉट ओके हुआ। और हम गए घर, गए घर जाके पहुंचे, रात में सिस्टर ने हमें उठाया कि भट्ट साहब का फोन है बात कर लो। भट्ट साहब ने कहा कि बेटा वेल डन, बहुत अच्छा किया तुम, कल हम तुमको मिलते हैं। और फिर
भट्ट साहब ने बिल्कुल हमारा हाथ ऐसा पकड़ा जैसे एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ता है। और जब मैं पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट था। तो सुनिए, आशुतोष राणा ने तो डे वन से वो जगह प्राप्त की जो लोग सालों तक जहां तक नहीं पहुंचते हैं। दुश्मन में जो उन्होंने रोल प्ले किया वो एक ऐसा रोल था जो एक न्यू कमर के लिए ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल था। उसके बाद में संघर्ष में जो उसने किया, आशुतोष में एक एक जुर्रत है, वो बिना किसी हेजिटेशन के उस कैरेक्टर के सीने में उतर जाता है जो आप कंसीव करते हैं। दुश्मन में वो, अगर आप दुश्मन के बारे में सोचें तो केवल आपको आशुतोष राणा ही याद आता है। संघर्ष में भी आज भी लोग मुझे सड़कों पे रोक के कहते हैं, सर आपका वो संघर्ष वाला जो विलन है उसे दोबारा किसी तरह आप लाइए पर्दे पे। उसमें भी वही झिझक, बेझिझक, बिल्कुल पूरी तरह अपने आप को ढेल देने की उसकी एक क्षमता है, जो उसकी एक खास पहचान है, उसका वो जेवर है, उसका गहना है। यही एक बात थी कि वो उनका वरदहस्त हमें मिला, जो दद्दा ने हमसे कहा था कि भट्ट साहब से मिलो। और उसके बाद जिंदगी में हम स्वाभिमान जब खत्म हुआ तो हम हाईएस्ट पेड एक्टर थे वहां से जब हम निकले, और वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर था जो लोगों को आज तक याद है, त्यागी नाम का किरदार था, बैड मैन विद गुड हार्ट, तो वो एक उस किस्म का कैरेक्टर था। और फिर जिंदगी में भट्ट साहब ने ही हमें तमन्ना में एक केमियो रोल करवाया, फिर गुलाम में एक सीन का एक रोल करवाया, और गुलाम का वो एक सीन हमने किया जिसमें वो कटे हुए हाथ कटे हुए क्रांतिकारी का था, विक्रम भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे। इत्तेफाक से उसका ट्रायल हुआ, रफ ट्रायल, और वो पूजा ने देखा रफ ट्रायल। पूजा ने कहा कि पापा हु इज दिस एक्टर, तो उन्होंने कहा कि आशुतोष है। दुश्मन शुरू हो चुकी थी किसी और एक्टर के साथ, अच्छा हम उसमें नहीं थे। पूजा ने कहा कि पापा मैं इस लड़के को लेना चाहती हूँ, दिस इज माई गोकुल पंडित। तो वो हुआ, और बस फिर भट्ट साहब ने फोन किया, बोले मियाँ तुम्हारी जिंदगी में जो तुम चाहते थे बेटा, तुम स्टार बन गए हो, और अब तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करोगे, तुम जो चाहते थे वो हमने तुमको दे दिया। दुश्मन रिलीज हुई और 99 में हमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो लोगों को दोस्तों से मिलता है, हमें जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला। स्वाभिमान के दिनों के आपके एक को एक्टर भी आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं एक रॉ एक्टर था, मैंने कभी न थिएटर किया हुआ था न मैंने कुछ, मैंने दो तीन ऐड किए थे उससे पहले। आशु के आने से आई फेल्ट दैट अब कुछ मुझे काम करना चाहिए, आई हैव टू बी ऑन माय टोज, बिकॉज ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर एंड सो नेचुरल बिकॉज ऑफ हिज थिएटर बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ही यूज्ड टू पिश मी, और बार बार रिहर्सल करना, इनएक्ट करना, उसे मेकअप रूम में बैठ के, ये सारी चीजें मैं आशु से सीखा हूं। और काश उसके जितनी एक्टिंग भी सीख जाता तो बहुत अच्छा होता। अब ये देखिए, आपकी तारीफ मैं करूंगा आपके प्रोग्राम की या आपकी रिसर्च टीम की, कि जिन जिन लोगों के मैं नाम लेते जा रहा हूँ वो आते जा रहे हैं, वो लोग आते जा रहे हैं, ये कमाल की बात है। दुश्मन और संघर्ष देखने के बाद, दुश्मन देखने के बाद आपसे नफरत हो गई थी, घृणा शब्द, मतलब कई घंटे रोई थी मैं और मुझे लगा था क्या आदमी है ये, मतलब उसके बाद संघर्ष दे दिया आपने तो बिल्कुल ही नफरत बढ़ती चली गई, कम होने का नाम ही नहीं हुआ। आपको भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपसे कहा आई हेट यू फॉर दिस? हाँ, और प्राण साहब ने काफी पहले एक बात कही थी कि हीरो का जो जेवर होती है वो तालियां होती हैं और विलेन का जो जेवर होती है वो गालियां होती हैं। सही बात, ये हुआ। लेकिन साथ में सरप्राइजिंगली एक चीज और हुई कि जितने लोगों ने, खास करके महिलाओं ने, जितनी नफरत गोकुल पंडित से की उतनी ही ज्यादा मोहब्बत उन्होंने आशुतोष राणा से की। कुछ और सुनवाते हैं आप। आशुतोष के बारे में मुझे ये अच्छी तरह याद है कि हर शॉट को बहुत ही दिल से करता था। तो क्या हो जाता है कि जब आप विलेन का कैरेक्टर दिल से प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो विलन अपने आप को विलन नहीं मानता, वो उसके लिए वो बुरा काम नहीं कर रहा, और जब एक ऐसा किरदार सामने आता है तो वाकई उससे डर लगता है। और मुझे अभी भी याद है कि
संघर्ष के रिलीज होने के बाद आशुतोष की अपनी बहन उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसे और कह रही थी कि मुझसे दूर हटो, मुझसे बात मत करो, क्योंकि उसे लगा था कि उफ, इससे ज्यादा गंदा इंसान कोई स्क्रीन पे हो नहीं सकता। तनुजा को मैं मॉम कहता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आशुतोष राणा को आशुतोष राणा बनाने के लिए जन्म है वो तनुजा ने दिया। तनुजा एक्टर बनाने की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कि अगर उनके साथ कोई रॉ आदमी भी काम कर ले तो वो तैयार कर लेंगे। चलिए अब सिर्फ 5 हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मुझे सिर्फ एक शब्द में ही जवाब चाहिए। दुश्मन या संघर्ष? दुश्मन। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा? अभिनय। स्वाभिमान या काली? काली। एक्टिंग के बाद दूसरा बड़ा शौक? पढ़ना। पसंदीदा किताब? कृष्ण की आत्मकथा। आपके लिए अब एक आखिरी मैसेज है हमारी तरफ से, एक गीत है, लोकगीत है, जो हमें पता चला है कि आप जब भी अपने घर जाते हैं आप जरूर सुनते हैं, तो पहले आपको सुनवा देते हैं फिर आपसे सुनेंगे। हमारे यहाँ लोकगीत तो राई बहुत बड़ा पॉपुलर है बुंदेलखंड में, वो मैं आपको एक सुना रहा हूँ कि नीम से भी ज्यादा करई हो गई राजा, जा कैसी माया जा कैसी काया, नीम से भी ज्यादा करई हो गई काया, नीम से भी ज्यादा। ये लोकगीत वो हमेशा हमसे सुनते हैं। दादा भैया हमारे सबसे बड़े भाई हैं और इनसे अच्छा ओरेटर हिंदुस्तान में हमने नहीं सुना। दो पंक्तियां आपसे भी सुन लें हम? ये दो पंक्तियां नहीं सुनाऊंगा क्योंकि दादा ने ये सुना दी और दादा से अच्छा मैं नहीं गा सकता, लेकिन हाँ कि जो उत्सव वाली जो बात है हमारे यहाँ जो चलता है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 ब्रिज में कन्हैया अकेले, लाल रंग डारो हरी रो रंग डारो और रंग डारो केसरिया, लाल रंग डारो हरी रो रंग डारो और रंग डारो केसरिया, ओ वंशी वाले सांवरिया। आशुतोष जी सच बहुत अच्छा लगा आज आप इस शो पर आए। जिंदगी लाइव आप पहले देखते रहे हैं या आपने हमें कई बार बताया है, लेकिन आपको आज मेहमान बनाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करने में, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सुख मिला हमें, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पुरानी जिंदगी को हमारे पास वापस लौटाने के लिए। और एक आपकी पसंदीदा चीज हमें पता चली है, वही हम तोहफे के रूप में आपके लिए लेकर आए, छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से। क्या बात, मनोज वाजपेयी और आशुतोष राणा से सीखने को हमारे पास बहुत कुछ है, खासकर वो सब लोग जो खुद तो एक छोटे शहर में पलते बढ़ते हैं लेकिन अपनी आंखों में पालते हैं बड़े बड़े खूबसूरत सपने, जिन्हें विरासत में ना बहुत सारा पैसा मिलता है ना बड़े खानदान का नाम, वो लोग जिनके दिल में कुछ कर गुजरने की ललक होती है, वो लोग जिन्हें लोग जुनूनी पागल या सरफिरा कहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मनोज और आशुतोष एक मिसाल है कि अगर जिद पक्की है तो जीत भी तय है, अगर आप में है वो जुनून वो दीवानगी और आंखों में है एक नामुमकिन ख्वाब तो खामोश मत बैठिए, उठिए और निकल पड़िए उस राह पर जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, बदलिए अपने ख्वाब को हकीकत में, हासिल कीजिए वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, जगाइए अपनी किस्मत और बनाइए अपनी जिंदगी को लाइव।